रात के बज रहे हैं 2 और हमने हमारा भाभी पे डिमांड रख दी है कि मैगी बनाने के लिए, लेकिन अभी इसमें से एसी में से एकदम से इतना धुआं आया। सिस्टर एक और प्लेट लेके आ चुका हूँ मैं, जल्दी से फटाफट से खाओ। फाइनली हमारी मैगी बन चुकी है। ओए तो भाई हमें ना अबू बकर भाई सो रहे थे। तुम ही गुरूर थी, तुम में ही नूर था, तुम भी बेजार थी, मैं भी मजबूर था, ये भी एक दौर है। कर दूंगा बच्चों को। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं गांव में। नेक्स्ट डे मतलब कि हमारी सिस्टर का चाला कल हो चुका था, आपने तो व्लॉग देख लिया होगा भाई। बहुत मजे करके हमने चाला करा था, हमारी जो रस्में रह गई थी वो भी पूरी कर दी है। अभी भाई मैंने वही वाले कपड़े पहने, गर्मी लग रही है यार। सबों का प्लानिंग बनना है कि हम जाएंगे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, और अभी भाई बुला रहा है कि आ जाओ बाहर फोटो शूट करने चल रहे, क्योंकि भाई कल ना हमारे फोटो शूट नहीं हो पाए थे, एक दो खींचे थे अब, लेकिन और ज्यादा खींचने चल रहे। इतनी गर्मी में भाई हम बताओ फोटो शूट कराने जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं भाई। अब इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी तो करनी है, रील भी डालनी। भाई आज जा रहे हैं हम क्रेटा में फोटो शूट करने के लिए, क्योंकि देखो हमारी स्विफ्ट कार पे ना बहुत 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 ज्यादा फोटो शूट हो चुके हैं, अब थोड़ा सा ना इस कार पे भी करते हैं। अभी जा रहे हैं भाई हम 12 पे देखने के लिए, अगर 12 खुलनी हुई ना तो नहाना भी है क्या? नहीं नहीं नहाना, बस यही देखने स्विमिंग पूल में ही है। अच्छा स्विमिंग पूल में ही नहाना है। लोकेशन मिल चुकी है, यहाँ पे ना देखो धूप भी नहीं है और धूप में हमने फोटो खिंचवाया भी नहीं आएगा, तो सबसे पहले भाई यहाँ पे फोटो शूट कराने लग गया। देखो पेड़ है ना, ओए होए कितना खतरनाक व्यू आ रहा है। चलो भाई इतने भाई खिंचवाता था, फिर मैं भी खिंचवा लूंगा, देखते हैं भाई अच्छे आते हैं नहीं आते। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, देखो लोकेशन ढूंढो क्या क्या ढूंढो और हालत खराब करो अपनी, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगी इंस्टाग्राम पे। गाड़ी बहुत एक नंबर लगी, और इसमें जो साउंड लगा हुआ ओए होए वो भी बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन इसका ना भाई कनेक्ट होने का सिस्टम बड़ा हार्ड है। देखो पहले गाड़ी रोको फिर आराम से सब चीज जोर जोर डालो, लेकिन हमने फिर भी कनेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे देखो गेट खुला हुआ, तो गेट खुले हुए बता रही है कि कृपया गेट बंद कर लो। देखो बंद करके दिखाता हूँ, ये आए उसमें बंद हो गया, लेकिन हम तो फिर खोल लेंगे। देखो हमने फोटो खिंचवा के ना 12 पे रुके हैं, और 12 पे भाई ऐसा कुछ सिस्टम कर रखा है, देखो पाइप लगा रखा है, क्योंकि भाई खेतों में ना पानी आ रहा है, तो इसलिए ना 12 है बंद है, तो हमारा 12 का चलो अब 12 में नहीं नहा सकते, क्या करते हैं अब चलते हैं बैठते हैं कार में, और अम्मी से पूछेंगे कि स्विमिंग पूल में कब चलना है। हम बाहर आए थे गांव की गर्मी के मजे लेने के लिए, तो यहाँ पे मिल चुके हैं हमें फलूदे वाले, तो गांव का भी भाई फलूदा टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। ओए ये फलूदे वाले हैं, ये फलूदे वालों की आवाज लगा रहा है। हमारा फलूदा ना बन के आ चुका है, अभी इसका ना टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। टेस्ट एक नंबर लगाना, अंदर से ना फ्रेश फ्रेश होगा, ठंडा ठंडा हो गया। और यहाँ पे देखो इतने सारे बच्चों की भीड़ भी लग रही है, सब चीज पीने के लिए, सब पियोगे सब बच्चे। आओ भाई फाइनली हमारा घर जाने का आ चुका है टाइम। आप करो भाई, वैसे तो मुझे भी नहीं पता थी, मुझे लग रहा था कि आज ना हम रुक के जाएंगे, लेकिन एकदम से अबू कहने लगे कि घर चलने हैं। सारा सामान हमने कार में पहुंचा दिया, अब कुछ नहीं करना हमें, बस थोड़ा बहुत सा सामान है, बस उन्हें हाथ में लेना और कार में लेके चलना। अब मजे से आएंगे ना भाई, कार बिल्कुल खाली जाएगी, एकदम कार में सामान लेके अब जाएंगे खाली। बाय बाय, आज तो मिला लो, आता आता भैया हाथ नहीं मिला रहा, नहीं मिला रहा, अरे मिला ले, अरे मिला ले, बड़ी सर मिलिए। तो भाई देखो हमने यहाँ पे ना सारा सामान रख दिया है, इसमें देखो सिर्फ मेन सामान है, देखो सिस्टर को ना रास्ते में से रुक के देना है शायद, भाई बंद कर देते हैं इसे, इसमें सारा सामान आ चुका है, और इसमें हमारी स्विफ्ट में भी सारा सामान आ गया। भाई सबों को बाय बाय, मिलते हैं मोहर्रम पाएंगे, ठीक है भाई। उन्होंने हमारी कार यहाँ पे लग चुकी है, एक एरी और एक वोरी, यहाँ पे भाई पूरी फैमिली बैठ के जा रही है, और वहाँ पे हम बैठेंगे। फाइनली निकल चुके हैं हम अपने गाँव से, हमारे आगे वाली गाड़ी चल रही है और हमारी ये वाली, और हमें ना लग रही है बड़ी तेज की भूख, क्योंकि हम घर से ना भाई कुछ भी नहीं खा का है, तो रास्ते में अगर कुछ खाने पीने का सिस्टम मिला ना तो वो खा लेंगे। वैसे तो यहाँ पे कांजी के वड़े की बात चल रही है। गाँव में सबसे ज्यादा मजा आता है मोहर्रम पे, तो मोहर्रम पे जब आएंगे ना भाई, मैं आपको ना गांव की रौनक दिखाऊंगा। ऐसा कोई घर नहीं रहता जिसमें मेहमान नहीं रहते, सबों के घर ना भरे भरे भी रहते हैं। अब कह रहे हमने गाड़ियों के गेट क्यों खोल दिया और बोनट क्यों खोल दिया, क्योंकि भाई देखो अभी हम अच्छा खासा चल रहे थे बिल्कुल अब्बू के पीछे पीछे, लेकिन अभी इसमें से भाई एसी में से एकदम से इतना धुआं आया भाई, पूरा ना कुछ भी नहीं दिख रहा था। हमने जल्दी से गाड़ी खड़ी करके बंद करके खड़ी कर दी, और अब्बू को फोन कर दिया कि अब्बू जल्दी से आ जाओ, इसमें पता नहीं क्या हो चुका है। अभी अब्बू आ रहे हैं, अब्बू आगे चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है भाई। भाई बस अल्लाह करे बस कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, मुझे तो लग रहा था कि एसी में कोई तार वार मिल गया तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। चलो आ गए अब्बू और फाइनली, तो अब्बू देख के बताएंगे इसमें क्या है। भाई जो हमारी कार में प्रॉब्लम आई थी ना, वो जो भाई ने वाली ने लाइट लगवा रखी थी ना, तो इससे ना भाई उसका ना तार चिपक के बहुत हल्के वाले थे ना, पूरे जल चुके और धुआं धुआं आ गया, तो हमने तार ढूंढ के ना खोल के भाई उसको निकाल देंगे, फिर कभी लाइट ही नहीं लगवाएंगे। देखो तुम्हारा भाई ना मिस्त्री बन चुका है, यहाँ पे ना मैंने सारी खोल दी, भाई हमने एकदम से डर गए कि ये क्या हो गया, प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए हमारे तार ये रहे और तार को भी निकाल लेता। तो फाइनली भाई मैंने ना सारी तार वार सब निकाल दी है, ये देखो ये लगवा के लाता, आज के बाद मत लगवाइए। लाइट वाइट हमने भाई स्प्लेंडर में भी लगवाई थी ना, उसमें भी हो चुका है, सिस्टम निकल गया, और देखो मेरा हाथ पैर सब गंदे हो चुके हैं। अभी हमने
हमने गाड़ी रोकी है गन्ने का जूस लेने के लिए, क्योंकि भाई सबों के अंदर ना एनर्जी लो सी हो रही है और सबों का ना जी भी घबरा रहा है। तो हमने सोची भाई गन्ने का जूस पी लेते हैं तो सबका टेस्ट ठीक हो जाएगा। गन्ने का जूस आ गया, पहले ना भाई कार में दे आते हैं, दूसरी वाली पीते ही रहेंगे। भाई लो भाई लो, गन्ने का जूस ले लो, गाड़ी पे गिर गया। अये होए मजे आ रहे हैं तुम्हारे तो। ये भाई देखो, हाँ और भाई देखो इतनी ठंडक हो रही है कार में, फिर भी कर रहा मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। सिस्टर को याद कर रहा है, सिस्टर ही भाई का मुंह बंद करती रहती थी। हम यहाँ पे रुक चुके थे रेस्टोरेंट में, भाई अंदर पिज्जा खा के, और इन भाई ने सब्सक्राइबर थे तो इन्होंने पूरी फैमिली को रोक लिया है। भाई के ब्लॉग में देख लेना भाई हमने जो जो करा। अब चलो फटाफट से निकलते हैं, देखो शाम भी हो चुकी है। हम दिन में निकले थे, दिन में इसलिए निकले थे जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन भाई क्या पता थी कि सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलो भाई बैठते हैं। चुके हैं सिकंदराबाद बिरयानी खाने के लिए। भाई जब हम आ रहे थे, जब हमने बिरयानी खाई थी ना जिनसे, अब दोबारा उनसे ही खाएंगे बिरयानी। और सिस्टर का भी फोन आया था कि कहाँ हो, हमने कही थी उनपे बिरयानी खा रहे जिनपे खाई थी, तो सिस्टर कह रही है मैं भी आने वाली हूँ, मैं साजी डेयरी पर हूँ। बिरयानी भी आ चुकी है और यहाँ पे बुगर भाई भी आ गए और यहाँ पे सिस्टर भी आ चुकी है, सब आ गए। और भाई सिस्टर कहाँ घूम रही थी बताओ, कहाँ पे लेके गए थे? अच्छा भैया डेयरी सिस्टर कल चलाने का प्लानिंग है क्या? है नहीं, चल चला नहीं पाओगे लेकिन तुम ठीक लो तो चलो। घूमने वूमने कब जाने पहले ये तो बता दो। कल जा रहे हैं। कल जाओगे? कहाँ पे जा रहे हो? बाजार। बाजार शॉपिंग करवाते हैं ना तुम्हें, इसलिए तो बाजार घूमते रहो। और मौसम देखो यहाँ पे कैसा हो गया है, अभी एक प्लेट की बिरयानी तो खा ली लेकिन मुझे और भूख लग रही है, दूसरी भी प्लेट ले रहा हूँ। सिस्टर एक और प्लेट लेकर आ चुका हूँ मैं, जल्दी से फटाफट से खाओ। और सिस्टर की ना भाई एक गलत बात लगी, वो गलत बात क्या लगी देखो भाई, हूर वहाँ पे बैठा हुआ बेचारा इतने इंतजार कर रहा है उसे देख रहे। मिलनी मिलनी अब में तुम गर्मी में कैसे बैठी हुई हो, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? नहीं नहीं, अब आपको गर्मी लगेगी। चलो भाई हम फटाफट से खाते हैं बिरयानी। और ये अब्बू बकर भाई करने लगे हैं सबके लिए कोल्ड ड्रिंक। चाचा इतना दुखी कैसे हो गए तुम, दूसरी गाड़ी में बैठते ही अच्छा खुश हो गए। चलो बाय 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 बाय, लगा लो गेट लगा लो, बाय बाय बाय। सिस्टर व्लॉगिंग करते हुए भाई मैंने फाइनली आपको सिस्टर की व्लॉगिंग भी दिखा दी है। चलो भाई अब्बू बकर भाई की बुलेट आ चुकी है, इस पे बैठते हैं और चलते हैं हम घर पे। अब्बू बकर भाई ने कार लगवा के आ जाएंगे जहाँ पार्किंग में लगेगी। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब भी सिकंदराबाद आओ ना तो शाजी डेयरी पे क्यों आना पड़ता है। भाई दिल से हट गया यहाँ पे, भाई इतनी बार शाजी डेयरी पे आ चुके हैं। सिस्टर ने पेटी मंगा लिया और पेटीज मंगा लिए, दोनों का नाम सेम ही सेम हो रहा है। और ये देखो उम्मू भाभी हमें परेशान करती रहती है। उम्मू भाभी पल्ला वाला हाथ दिखाओ, देखो भाई ये देखो अरमान इतना बड़ा बड़ा लिख रखा है, कितना ही प्यार है। के बज रहे हैं दो और हमने उमरा भाभी पे डिमांड रख दी है कि मैगी बनाने के लिए, तो उमरा भाभी ने सारा सामान वामान सब कर लिया, प्याज कट कर लिया और यहाँ पे मैगी ले लिए। तो फाइनली अब डालने आ रही है तेल के अंदर। उमरा भाभी कौन सी मैगी बना रही हो, ये तेल वाली मैगी का तो नाम उमरा भाभी को पता नहीं है, कोई सी बना रही है लेकिन खाने में अच्छी होनी चाहिए। डालेंगे इसमें प्याज आराम से। ओ इतनी मेहनत करवा रहे हैं, उमरा भाभी से बेचारी सो गई थी लेकिन इन्हें रात के 2 बजे फिर उठा दिया मैगी बनाने के लिए। चलो भाई सारी चीजें डाल दो भाभी, वैसे थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना यार, बड़ी तेज की भूख लग रही है, जल्दी से मसाला वसाला सब डाल दो। उमरा भाभी ने सीक्रेट मसाला डाला तो इसमें ना एक कलर आ चुका है थोड़ा ऐसा ऐसा, तो थोड़ा सा दोबारा डालो। अरे ये तो वैसे मुझे मसाले ना देखे दाखे लग रहे हैं, देखो भाई ये सारे सीक्रेट मसाले रखे हुए हैं, तो ये थोड़े थोड़े करके डाल लिए। अभी ना मैगी भी डल चुकी है भाई, मुझे ना बड़ा डर लग रहा है कि इसका टेस्ट कैसा होगा खाने में, और ये व्लॉग नहीं बनाने दे रही क्योंकि इसका उड़ चुका है रंग, क्योंकि उन्होंने मसाला बनाया था 3 मैगी का और हमने डलवा दिया ऊपर से 2, और मतलब की टोटल हो चुकी है 5 मैगी है। चलो भाई फाइनली अब देखते हैं कि टेस्ट कैसा आएगा। वैसे भाई हमने चाय बनवाई थी, चाय तो बहुत अच्छी थी, आज मैगी भी टेस्ट करके बताएंगे। तो फाइनली सब चीज डल चुका है, अब लगा देते हैं इसका ढक्कन। लेकिन हमें उमरा भाभी का एक दिमाग समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने जो मैगी के मसाले के पाउच आते हैं ना वो रख लिए, वो कह रही थी कि मैं बाद में डालूंगी, मुझे लग रहा है सजाएंगी। भाई मेरा दिमाग हो चुका है बिल्कुल पागल, इन्हों का मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो एक भगोना लिया, इसमें पानी गर्म करा, फिर उसे गिलास में डाला और फिर इसमें ना मैगी के जो मसाले छोड़े थे ना उन्हें रोक के इसमें डाल रही है अब, तो तीनों पाउच डालेंगे। अरे तो मैगी 5 से 3 को डाले, अच्छा 2 डाल दिए पहले, तो अब इसका क्या करना है ये तो बता दो। चलो चलो चलो, अरे पहले थोड़ी सी मैगी चलाई जाए और फिर जो गिलास बनाया उसे इसमें पलटा जाए। बस 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 के जान निकालो कि मैगी की, आप छोड़ो छोड़ो, लाओ मैं आपका गिलास में डाल देता हूँ अपने हाथों से। ये भाई जो शेक बनाया ना, ये मैंगो शेक लग रहा मुझे तो। चलो पूरा ओ हो, ये मसाला निकल के आ चुका है इसका। फाइनली हमारी मैगी इतनी देर के बाद ना बन चुकी है, बस इसको ना टेस्ट करके देखना बाकी है। मैं तो उमरा भाभी कहता हूँ उधर से तुम पकड़ो, इधर से मैं पकड़ता हूँ और पलट दो पूरी। ओ हो हो, देखने में तो भाई बड़ी चटपटी लग रही है। सारा मसाला निकाल दो इसमें से जितना भी है। चलो भाई चलो, फाइनली हमारी मैगी बन चुकी है, अभी से ना सिस्टर के रूम में जाके टेस्ट करेंगे कैसी है। ओ हो हो, सबसे पहले तो भाई तुम्हारा भाई टेस्ट करके बताओ इसका टेस्ट कैसा है। ओए तो भाई यहां पे ना अबू बकर भाई सो रहे थे और इनके मुंह में डाल दिए मैगी। अबू बकर भाई सो रहे थे ना तो सिस्टर ने तो भाई इनकी ना नींद खराब कर दी, सिस्टर ने मैगी खिला के। और भाई मैगी कैसी लगी रात के 2 बजे? बढ़िया, तो ये बिल्कुल ना भाई नींद में हो गए।
तो तुम ना बताओ क्या करो, तुम कम्बल ढको और सो जाओ वापसी। भाई मैगी हो रही है एक नंबर भाई, बहुत चटपटी होगी, मजेदार। अब चलो भाई रहा नहीं जाता, जल्दी से फटाफट से मैं मैगी फिनिश करता हूँ। अब भाई का फेस देख लो एक बार। तो गाइस रात के बज रहे हैं 3:30 और यहाँ पर मेरी नन जो है वो बना के लाई है चाय और ब्रेड। तो भाई फटाफट से बोल देते हैं कमेंट। पहला कमेंट है डिम्पल, हाय रियान भाई, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, आपकी सिस्टर और जीजू की जोड़ी बहुत प्यारी है, प्लीज मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम है आफरीन। लो जी आपका नाम ले लिया। और दूसरा कमेंट है सूफिया मलिक, माशाल्लाह माई ना भी बहुत प्यारी लग रही है, शुक्रिया। और तीसरा कमेंट है मोहम्मद राशिद, हम तो आपके बहुत बड़े फैन हो चुके हैं, आपके व्लॉग बहुत पसंद आते हैं, शुक्रिया भाई। बस ऐसी पसंद आने चाहिए। और मुझे ना ये व्लॉग में बता देना कि मेरी क्या कमी लग रही है और क्या कर दी है भाई, मैंने उसे ठीक कर पाऊं। भाभी ने जो मैगी बनाई थी ना, हे माशाल्लाह से भाई, उसको कोई जवाब बनाई थी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। देखो खाना क्या होता है ना, चटपट हो अपना टेस्ट, उसमें ही मजा आता है। मैगी बहुत बढ़िया लगी। आपको ना पूरे व्लॉग में एक बात बताना भूल गया था, हम सिस्टर की ससुराल में रुक चुके थे। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिल देखने बाय बाय।